मैं सिद्धार्थ प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग से होता है कि दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक टॉपिक होगा आपका जो होता है स्टूडेंट टाइफाइड होगा, एक टॉपिक होगा आपका, उस टॉपिक का नाम होगा स्टूडेंट टाइफाइड। क्या नाम है स्टूडेंट? टाइफाइड्स होगा। एक टॉपिक है आपका टाइफाइड, दूसरा जो टॉपिक होगा स्टूडेंट हुआ होगा निमोनिया। क्या होगा आपका? निमोनिया हो गया, ठीक है। तो निमोनिया और जो होता है स्टूडेंट टाइफाइड, दो तरह का डिजीज है, दो डिजीज को हम लोग जो होता है आज कवर करेंगे। और ये जो दोनों डिजीज आप देख रहे हैं स्टूडेंट, चाहे टाइफाइड हो गया आपका, चाहे जो होता है कि आपका निमोनिया हो गया, ये दोनों बीमारी जो होता है स्टूडेंट एज ए बैक्टीरियल है। कौन सा स्टूडेंट? बैक्टीरियल डिजीज है। यानी कि आपको आज मैं बैक्टीरियल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं और कौन कौन सा आपका पढ़ना है, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? टाइफाइड होगा। क्या है आपका? टाइफाइड्स होगा। तो टाइफाइड्स का देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो होता है कि हम पैथोजेंस का नेम जानते हैं कि यानी कि जो टाइफाइड आप देख रहे हैं, ये टाइफाइड जो बीमारी है मैक्सिमम लोगों को हुआ होगा और मैक्सिमम लोग जो होता है इससे सफर किए होंगे जरूर अपने लाइफ में। तो जो आप देख रहे हैं कि टाइफाइड्स होता है स्टूडेंट, इस पैथोजेंस का हम नाम जानेंगे कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन जो होता है स्टूडेंट कि मुझे टाइफाइड्स हो जाता है। तो सबसे पहले पैथोजेंस का नाम जानेंगे। जो पैथोजेंस होता है स्टूडेंट, उस पैथोजेंस का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है स्टूडेंट? साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है। साल्मोनेला जो टाइफी आप देख रहे हैं, ये साल्मोनेला टाइफी जो होता है स्टूडेंट एक बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया से क्या होता है कि आपको टाइफाइड नाम का डिजीज होता है। ये जीनस हो गया और ये क्या स्टूडेंट? स्पीसीज हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है और इस साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन जो होता है स्टूडेंट आपको क्या होता है? टाइफाइड नाम का डिजीज हो जाता है। ये आपको इतना याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट कि टाइफाइड का जो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा स्टूडेंट? मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि ये कैसे जो होता है स्टूडेंट ट्रांसमिशन इसका हो रहा है, ये आपको जानना है ट्रांसमिशन, ठीक है। तो कैसे जो होता है इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है। अगर आप जो होता है कंटामिनेटेड फूड ले लेंगे स्टूडेंट, कंटामिनेटेड फूड अगर आप लेते हैं, प्लस होता है स्टूडेंट अगर आप कंटामिनेटेड जो है फूड प्लस होता है कि आपका कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। यहाँ पे फूड मेंशन कर दे रहा हूँ, कंटामिनेटेड फूड प्लस होता है कि आपका कंटामिनेटेड वाटर यानी कि खराब पानी पीते हैं और खराब जो होता है स्टूडेंट आप जो होता है कि खाना खा लेते हैं कंटामिनेटेड, या फिर जो होता है कि आप ऐसे हैबिटेट में रख रहे हैं जहाँ रह रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है साफ सफाई पे नहीं है, तो वहां पे क्या होता है इजली साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया है वह ग्रो कर जाता है और इजली जो होता है कि आप उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर जो होता है आपके फूड पार्टिकल्स में चला गया तो उसके थ्रू जो होता है कि वह आपके बॉडी में एंट्री कर जाता है और एंट्री करने के बाद जो होता है कि फाइनली आपको टाइफाइड कॉज कर देगा। तो आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है स्टूडेंट ये आपको पता चल गया। देखिए आपके बॉडी में जा करके जो होता है स्टूडेंट कि सबसे पहले आपको जानना यह है कि आपके बॉडी में जा करके बॉडी के कौन से पार्ट्स को, ठीक है, यानी को आपको जानना यह है कि बॉडी के कौन से पार्ट्स को जो होता है स्टूडेंट, बॉडी के कौन से पार्ट्स को जो होता है स्टूडेंट पार्ट्स को ये अफेक्टेड करता है। तो इसमें आपको जानना क्या है कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उस स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्स जो होता है जाकर के अरेस्ट करेगा, यानी कि फाइनली जो आपके बॉडी पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन है ये अफेक्टेड। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि आपके बॉडी का कौन से पार्ट्स पे अफेक्टेड हो रहा है सबसे पहले। तो आपको याद रखना क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये अफेक्टेड होती है बॉडी पार्ट में। उसको देखिए स्टूडेंट क्या सिम्टम क्या क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से सिम्टम्स आपको हो सकते हैं अगर आपको टाइफाइड होता है तो, जिससे आप सिम्टम्स, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। सिम्टम्स देखिए क्या है, अभी मैं जो ट्रायल कर रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा बहुत जो होता है हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम आपको होगा, ठीक है। तो सिम्टम्स की बात करते हैं हम लोग कि देखते हैं क्या क्या जो होता है स्टूडेंट सिम्टम्स हैं। तो पहला सिम्टम्स सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट वह होता है हाई फीवर। क्या होता है? हाई फीवर होता है। हाई फीवर का मतलब है स्टूडेंट ये
कि इसमें आप देखेंगे फाइनली जो होता है कि एनसीईआरटी में डाटा मेंशन किया होगा कि 39 से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है स्टूडेंट की आपको हाई फीवर होने के चांसेस हो जाते हैं। पहला सिम्टम ये होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। उसके बाद और क्या हो सकता है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट हो सकता है कि आपको वीकनेस हो सकता है, आपको वीकनेस हो सकता है, ठीक है, कमजोरी आपको फील हो सकती है यानी कि वीकनेस हो सकता है। आपके स्टमक में पेन हो सकता है स्टूडेंट, यानी कि जो स्टमक है आपका उस स्टमक में पेन हो सकता है, ठीक है, पेन होगा यानी कि जिसको आप दर्द कर रहे हैं, ठीक है, स्टमक पेन होगा। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट, लॉस ऑफ अपेटाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ अपेटाइटिस का मतलब ये होता है कि आपको भूख नहीं लगेगा, आपका खाना खाने का जो होता है स्टूडेंट मन भी नहीं करेगा, तो लॉस ऑफ अपेटाइटिस हो जाता है, ठीक है, इसको हम लॉस ऑफ अपेटाइटिस कह रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है, भूख नहीं लगेगा। तो ये जो होता है कि सिम्टम्स हो गया स्टूडेंट। उसके बाद देखिए क्या है, कभी कभी होता क्या है कि इसमें इस केस में कभी कभी क्या होगा कि काफी लंबे समय से जो होता है कि वह अगर पैथोजेंस आपकी बॉडी में है और ट्रीटमेंट सही समय पे सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है, तो जो आपका इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, परफोरेशन होने लगता है। क्या होगा? जो इंटेस्टाइन होगा उस इंटेस्टाइन में क्या करेगा, परफोरेशन, ठीक है, परफोरेशन होने लगता है। और इस इंटेस्टाइन के परफोरेशन से क्या होगा, कभी कभी डेथ भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर सही तरीके से इलाज भी जो होता है कि इलाज नहीं होता तो ट्रीटमेंट नहीं होता तो वैसा देखा जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इजली जो होता है किसके बहुत से एंटीबायोटिक है और इजली जो होता है ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए क्या है कि हम बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है इसमें, यानी कि हम बात करते हैं टाइफाइड के लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं। तो टेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं कि टाइफाइड में, तो आपको एक चीज याद रखना बस कि इसमें जो होता है कि बिडाल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है इसमें? बिडाल टेस्ट होता है, ठीक है, बिडाल टेस्ट आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि टाइफाइड में जो होता है स्टूडेंट हम लोग बिडाल टेस्ट को कराते हैं। इसमें देखिए इसे और आपको याद रखना है कि कभी कभी होता क्या है कि जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन होता है स्टूडेंट एज ए कैरियर का काम कर जाता है, कैरियर का काम करेगा इसमें, ठीक है। जैसे देखिए क्या है कि एनसीईआरटी में डाटा मेंशन होगा जिसको हम मैरी मेलॉन्स कहते हैं, मैरी मेलॉन्स कह रहे हैं, मैरी मेलॉन्स कह रहे हैं, ठीक है, ये है आपका मैरी मेलॉन्स, ठीक है स्टूडेंट। तो मैरी मेलॉन्स क्या है कि एक फीमेल थी, एक जो होता है एक वोमेन थी, और इसने जो होता है कि इससे क्या हुआ था, टाइफाइड हुआ था। जैसे मान लीजिए ये है अगर, तो इसका जो होता है कि इसको टाइफाइड हुआ था, और इसको टाइफाइड हुआ था तो इससे क्या है कि ये इसलिए फ्री लोगों के घर जाकर के जो होता है काम करती थी, उससे क्या है कि बहुत ज्यादा लोग जो होता है कि इन्फेक्टेड हो गए थे, उन लोगों को भी टाइफाइड हो गया था, तो इसीलिए जो होता है कि इसको हम लोग मैरी मेलॉन भी कहते हैं, मैरी मेलॉन नाम की जो होता है वो महिला थी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको इतना जानना है कि जो कि आपका टाइफाइड का है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो होता है दूसरा, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, दूसरा हमारा डिजीज होगा निमोनिया, ठीक है, मैं कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, चलिए आइए देखिए क्या है कि दूसरा हमारा डिजीज क्या होगा स्टूडेंट, निमोनिया है, ठीक है, क्या होगा, निमोनिया है। तो अब जो आप देख रहे हैं कि ये निमोनिया है, ये भी क्या होता है स्टूडेंट कि बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा है आपका? बैक्टीरियल डिजीज है। तो उस बैक्टीरिया का नाम जो होता है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या, उस बैक्टीरिया का जो नाम है स्टूडेंट, उसका नाम है यानी कि पैथोजेंस का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ठीक है। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, वह स्टेप्टोकोकस न्यूमोनाई क्या है कि फाइनली आप जो देख रहे हैं कि यह एक तरह का बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया से क्या होता है स्टूडेंट कि आपको निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, निमोनिया इसी से आपको होता है। उसके बाद देखिए क्या है आपका नेक्स्ट, आप जो देखेंगे कि इसमें एक और जो होता है कि बैक्टीरिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे टर्म ऐसा उन्होंने ऐड कर दिया है, उस टर्म का नाम है स्टूडेंट इन्फ्लुएंजा। जैसे देखिए क्या है कि एक तो ये बैक्टीरिया हो गया स्ट्रेप्टोकोकस,
दूसरा जो बैक्टीरिया स्टूडेंट उसका नाम है हीमोफिलस, हीमोफिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ठीक है, जेड ए ई है ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा से आपको परेशान नहीं होना, इन्फ्लुएंजा टर्म जो होता है एक्चुअली वायरस में भी हम यूज करेंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस भी होते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं तो ये आपका बैक्टीरिया है, ये आपका क्या है बैक्टीरिया है। तो ये आपका जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई हो गया, और ये आपका जो होता है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया। तो दो ऐसे बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है स्टूडेंट कि आपको निमोनिया नाम का डिजीज होता है। इसमें देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि कैसे ट्रांसमिशन होगा। तो इसमें होता क्या है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, क्या होता है स्टूडेंट इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है ड्रॉपलेट जो होता है कि इन्फेक्शन होगा। उसके बाद देखिए क्या है कि और क्या हो सकता है, शेयरिंग ऑफ ग्लासेस भी है, मतलब ये कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा और उस इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है कि जो अगर उसका आप जो होता है ग्लास शेयर कर रहे हैं, अगर उसका जो होता है कि आप बर्तन यूज कर रहे हैं, उससे आपको भी जो होता है निमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि सिम्टम देखिए, सिम्टम जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं शॉर्ट कट में लिख दे रहा हूँ सिम्टम्स ठीक है। सिम्टम में जो पहला सिम्टम्स है स्टूडेंट इसका वो होता है कि इसमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको क्या होगा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है। क्या हो जाएगा आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा, सबसे पहला सिम्टम होगा आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि आपके रिस्पिरेशन में जो होता है स्टूडेंट प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा मैं भी अच्छे से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद और सिम्टम्स क्या हो सकता है, दूसरा सिम्टम से हो सकता है स्टूडेंट इसमें कि देखिए फीवर जो है, फीवर तो आज का कॉमन हो गया है, आप फीवर को आप किसी में ऐड कर लीजिएगा, हेडक हो जाएगा आपको, सर दर्द करेगा आपका। उसके बाद देखिए चिलनेस होगा आपको, ठंड लगेगा, चिलनेस होगा, साथ में क्या होगा आपको कफ आएगा, बार बार आपको कफ आएगा ठीक है, कफ आएगा। तो ये सब जो देख रहे हैं सिम्टम, ये सब क्या आपका सिम्टम है। अगर देखिए स्टूडेंट की ये बहुत सीवियर कंडीशन है, मतलब काफी दिनों से है और सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसमें सिम्टम्स क्या होता है कि जो पर्सन होगा उसका जो लीफ होता है, उसका जो लीप्स होंगे ठीक है, लीप्स होगा, प्लस होता है स्टूडेंट जो फिंगर होते हैं, जो लीप हो गया, फिंगर हो गया, उसके साथ साथ जो होता है उसका जो नेल्स है, उसके जो नेल का कलर है, तो आप देखिए इसका लीप फिंगर प्लस नेल्स, इसका जो होता कलर जो होता है एक्चुअल में हो जाएगा ब्लूइश कलर का, किस कलर का हो जाता है ब्लूइश कलर का हो जाएगा ठीक है। तो ये जो होता है कि आपका काफी सीरियस कंडीशन में आपको देखने को ये मिलेगा ये ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में हो क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं इसमें कि इसमें होता क्या है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं ठीक है, और मैं आपको बताता हूं इसमें क्या हो रहा है। देखिए निमोनिया के केस में होता क्या है, निमोनिया के केस में देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह जो होता है कि आपका एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है, और यह आप देख रहे हैं कि यह आपकी ब्लड कैपिलरी है ठीक है। तो ब्लड कैपिलरी में क्या होता है ब्लड होगा, ब्लड कैपिलरी में क्या होगा ब्लड होगा, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ब्लड की बात करते हैं। देखिए ये आपका मान लीजिए ब्लड हो गया इस तरह से ठीक है, ये इसके अंदर है ब्लड, ब्लड कैपिलरी में क्या होगा ब्लड होगा ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर जो होता है कि ये जो आपका पैथोजन्स है ठीक है, वह फाइनली जो होता है कि आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक से वह आपका एल्वियोलाई में आ गया, किस में आ गया एल्वियोलाई में आ गया, तो इस एल्वियोलाई में इन्फेक्शन करेगा, तो यहां से एक तरह का फ्लूड आएगा और वह फ्लूड जो होता है फाइनली जो आपका एल्वियोलाई देख रहे हैं इस एल्वियोलाई में जो होता है इकट्ठा होता है, जिससे क्या होता है कि आपको पता है यहाँ पे वो जंक्शन है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, O2 अंदर आएगा और CO2 जो होता है यहाँ से क्या होगा बाहर निकलेगा।
तो फाइनली यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो गैसियस एक्सचेंज सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो उससे चांसेस ये रहेंगे कि आपको सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट, ठीक है, काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। तो आज अब देख रहे हैं कि मैं आपको जो होता है कि एक डिजीज बताया टाइफाइड, दूसरा डिजीज मैं आपको बता दिया निमोनिया, दोनों का मैं जो होता है स्टूडेंट डिजीज कॉजिंग एजेंट का नाम बता दिया, उसका सिम्टम्स बता दिया, ठीक है, और उसमें जो होता है कि किस प्रकार से जो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन।